नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज़। ये साधुदा नगर का CHC है जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं, और ये पीछे जो प्रमाइसिस दिख रही है यही है वो प्रमाइसिस जिसके बारे में ये बताया गया है कि यहां पे एक ऑक्सीजन बेड देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि CM ने भी दो दिन पहले अनाउंस किया है कि हर CHC और PHC पे ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी कराई जाएगी, कहीं कहीं होने भी लगा है। यहाँ साधुदा नगर की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर का सबसे लास्ट छोर है ये, और साधुदा नगर एक ऐसा मार्केट है जो सदियों से इस मार्केट की एक प्लस पॉइंट ये रही है कि इसके सराउंडिंग में कम से कम 100 से भी ज़्यादा ग्राम सभाएं हैं जहां का एक ही केंद्र बिंद्रु मार्केट है साधुदा नगर। यहां पे थाना भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, CHC भी है, सब कुछ यहां पे है, और यही वो CHC है पूरे डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में जो शायद सेकंड नंबर पे है, जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को देखा जाता है यहाँ पे। यहाँ मोर देन 4 MBBS डॉक्टर्स हैं, और उसके बाद पूरा भरपूर स्टाफ भी है ये, और ये टॉप पे चल रही है ये CHC। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन बेड नहीं मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्रवासियों का दुर्भाग्य ही होगा। हमारी टीम ने, इंडिया टाइम्स की टीम ने जब अधिकारियों से बात की 2-3 दिन पहले, और रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे ऑक्सीजन बेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस क्षेत्रवासियों का ये रहा है कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट या फिर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट लगभग सेम है यहाँ की डिस्टेंस, लेकिन दोनों जिला अस्पताल पर अगर इस तरफ के ग्रामवासियों को एज अ पेशेंट लेके जाया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। एम्बुलेंस वगैरह की अगर हो भी गई तो रोड की इतनी दुर्गति है, इतनी बुरी अवस्था है कि कम से कम 2 से 2.5 घंटा लग जाता है जिला अस्पताल पहुंचते पहुंचते, तब तक पता ये चलता है कि उसकी जान जाती है। कोविड की इस महामारी में ऐसे कई पेशेंट देखने को आए, लगभग 19 से 20 केस ऐसे हो चुके हैं जिनको हॉस्पिटल तक पहुँचाते ही उनकी सांसें रुक चुकी हैं, चली जा चुकी हैं, और वो मृत्यु हो चुके हैं, यानी मृत्यु घोषित हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे ऑक्सीजन बेड नहीं दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्रवासियों के लिए एक तरह का दुर्व्यवहार होगा, एक तरह का समझ लीजिए कि उनको बाइकॉट किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है कि यहाँ पे दी जाए। अब अगर यहाँ अगर स्टाफ की बात करें, यहाँ के ग्रामवासी जो भी हैं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग हैं, उन लोगों ने भी आगे बढ़ के हमको ये प्रॉमिस किया है कि अगर यहाँ ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो हम लोग भी वॉलंटरी जॉब करेंगे। वॉलंटरी जॉब इस वक्त गवर्नमेंट को लेना भी चाहिए लोगों से, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले साल ये हुआ था कि उद्धव ठाकरे ने बाकायदा ट्वीट किया था कि कोविड योद्धा बनने के लिए नौजवानों की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, जो हॉस्पिटल में हों उनकी ज़रूरत, जिनको ज़रा सा भी ये पता हो कि हेल्थ में किस तरह से लोगों को गाइड किया जाता है, वो कोविड योद्धा बनने को तैयार हो सकते हैं। और लाखों लोगों ने अपने आप को पेश किया था इस कोविड महामारी में कि हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ह्यूमनिटी हमारे देश की प्राथमिकता रही है, इंसानियत प्राथमिकता रही है, सबसे पहले यहाँ पे इंसानियत देखी गई है और आज भी देखी जाएगी। ज़रूरत है सिर्फ सरकार को कदम उठाने की। अब हमारा निवेदन भी है और ग्रामवासियों का भी, यहाँ के लोगों की मांग भी है कि साधुदा नगर CHC को जल्द से जल्द ऑक्सीजन बेड दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है लोगों को जान बचाना। हमारे साथ इस वक्त एक पीड़ित मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे, क्योंकि इनके साथ अभी हाल ही में ये घटना घटी है। आइए जानते हैं इनसे कि इनको कितनी ज़रूरत थी और कितना दुख है इनको कि इन्होंने अपने किसी को खोया है सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से। जी बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये तो पूरा उपेक्षा का शिकार है हम लोग। कल ही हमारे माता जी का ऑक्सीजन की वजह से करीब 2 बजे मतलब वो कम हुआ ऑक्सीजन लेवल, हम लोग इधर उधर दौड़े लेकिन कुछ नहीं कर पाए, शाम तक उनका वो हो गया मतलब एक्सपायर हो गया। अभी अभी हम लोगों करके उन्हें आ रहे हैं, अब यहाँ भी आए हैं कोविड की जांच करवाने पूरे फैमिली के साथ कि मतलब कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन देखते हैं फिर वही पुराना वाला, ना तो कोई साथ दे रहा है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई नेता हमारे आगे पीछे है। ये जो CHC है, जो सामुदायिक केंद्र है, यहाँ से कितनी दूरी पर है आपका घर? हमारा घर मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है, मनुआगढ़ है। तो आप जिला अस्पताल वगैरह अगर लेके जाते तो कम से कम हमें 3 घंटा लगता। रोड इतनी ख़राब है कि कम से मतलब रास्ते में ही वो सब कुछ हो जाए, दम तोड़ दी। वैसे भी हमारे साथ कल हो ही गया, जैसे हम घर से निकले थोड़ी दूर पर ऑक्सीजन कम की वजह से मेरी माता जी का देहांत हो गया। अभी हम तो वो करके वहाँ से आ रहे हैं दफन करके। तो आपने देखा अभी किसी ने अपनी माँ खोया है। अब आइए एक और भुक्तभोगी से मिलते हैं
जिन्होंने अपनी पत्नी खोई है, किसी ने अपनी पत्नी खोई है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने माँ, किसी ने बहन, किसी ने बेटी, हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है और आगे भी खोते रहेंगे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी नहीं कराई गई तो। 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारा घर है, कल हमारी बीवी का है, सांस रुकने से उनका डेथ हो गया और हमारे घर में खुद पॉजिटिव केस है और वो हमारी पतोहू यहीं से टेस्ट कराई थी और वो पॉजिटिव निकली थी। बड़ी समस्या है, हम आए थे फिर अपना भी जांच कराने के लिए, लेकिन चूंकि समय वो हो गया है, बंद हो गया, कल फिर आएंगे हम जांच कराने के लिए। तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सादुल्ला नगर है, ये बहुत प्राचीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। जब गोंडा ज़िला में था सन 1934 का, डिस्पेंसरी सादुल्ला नगर है तब का बना हुआ है, जबकि बहुत दूरी पर 5-5, 6-6 कोस की दूरी पर डिस्पेंसरी नहीं था। यहाँ बहुत ज़रूरी है, 100 गांवों से ज़्यादा से आच्छादित लोग यहाँ आकर के दवा कराते हैं। अगर हम लोगों के लिए ऑक्सीजन का यह नहीं किया गया तो हमारे जैसे लोग बहुत से खो देंगे और हम क्या करें। नहीं, आपने ऑक्सीजन के लिए जैसे बताया कि ऑक्सीजन की वजह से गए, तो आपको क्या सजेस्ट किया गया था, मतलब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले क्यों नहीं ले गए? हम वहाँ से जैसे घर से चले तो ये हुआ कि यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो हम चल रहे थे कि जा रहे हैं गोंडा, जब तक चले तो रास्ते में ही वो दम तोड़ दिया। इस तरह के भुक्तभोगी लोग हैं हमारे पास, ऐसे कई लोग हैं जिनके घर वाले पीड़ित हैं, आज उनको अवेलेबल नहीं यहाँ पे हो पा रहा है। अब जहाँ शासन ने ये अधिकार दिया हुआ है और योगी आदित्यनाथ ने भी साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि हर सीएचसी, भाई सीएचसी और पीएचसी पे अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो आज ये संक्रमित बीमारी जो इतने तरह से महामारी फैली हुई है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी अगर राजनीति होने लगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारे देश का ही नहीं, हम सबका दुर्भाग्य है कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अब यहाँ पे जब हर एक चीज़, बिल्डिंग भी अच्छी प्रमाइसिस की है, यहाँ पे अवेलेबल होने के चांसेस भी हैं, बेड भी हो सकता है, फिर भी कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इससे बेहतर कहीं और है, इससे बेहतर कहीं और, बेहतर कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वालों की जो सबसे बड़ी दुश्वारी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है यहाँ के रोड फैसिलिटी, जो आज तक किसी भी नेता ने सही नहीं की। क्योंकि यहाँ के लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आता है, सादुल्ला नगर क्षेत्र एक ऐसी जगह है जिसको हमेशा जो है इसको इग्नोर ही किया गया है, हर एक फैसिलिटी से ये दूर रहा है, ना यहाँ पे अच्छी तरह से बिजली की समस्या का निदान होता है, ना है अच्छी शिक्षा है, ना ही अब कितने शिक्षण केंद्र होने के बावजूद भी यहाँ पे शिक्षा का स्रोत उतना बढ़िया नहीं है, और रोड की अगर बात करें तो रोड यहाँ पे है ही नहीं प्रॉपर वे में, ना किसी तरह का रोडवेज है यहाँ पे, कोई भी फैसिलिटी जो मूलभूत सुविधाएं एक नागरिक को मिलनी चाहिए उससे ये हमेशा वंचित रहा है। कहने को तो यहाँ पे सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और सालों साल से रहे हैं, लेकिन हर किसी ने इन सारी समस्याओं को दरकिनार रखा और अपना अपना फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, आज जो ज़रूरत है इसमें ज़रूरी है कि हर एक नेता को इंसानियत, ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है, यहाँ पे इंसानियत की ज़रूरत है कि सबको एक साथ आगे आना चाहिए, सरकार से निवेदन करना चाहिए, अधिकारियों से बात करनी चाहिए और ये प्राथमिकता जतानी चाहिए अपनी कि हमारे यहाँ बेड की फैसिलिटी हो, कम से कम कुछ भी करो, आप अपना जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन इंसानियत को बचा लो। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वरिष्ठ समाज सेवी सबरोज मोहम्मदी साहब, पावर संस्था की जानिब से इन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है कि यहाँ पे एक बेड फैसिलिटी दे दी जाए, ऑक्सीजन बेड की फैसिलिटी। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इस सीएचसी को कितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन बेड की। सबरोज जी बताएं, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन बेड की? इस महामारी में तो एक तो डॉक्टरों की कमी है, सारी फैसिलिटी, वैसे सादुल्ला नगर एक पिछड़ा क्षेत्र है जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। एक सीएचसी है जो अपना इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं जो आज की हैं कि जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन वगैरह की, वो चीज़ें नहीं है। अगर बाहर कहीं आदमी जा रहा, पेशेंट जा रहा कहीं, तो फर्स्ट एड के तौर पे आज के दो दिन में ये जो है ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पेशेंट को पड़ रही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो 10-20 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर सके कि जाए दूसरे डॉक्टरों के पास हो करे। तो हम लोगों की यही डिमांड है कि यहाँ कम से कम ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करवाई जाए।
नहीं, एक चीज़ ये बताएं कि जैसे ठीक है लोग ये कह रहे हैं कि जिला अस्पताल में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो ये चीज़ आप बताएं। जो है जिला मुख्यालय यहाँ से 60 और 65 किलोमीटर है और रास्ते की हालत क्या है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं, तो पेशेंट वहाँ तक जाए कैसे? ये सब यही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि जैसे पेशेंट को 2-3 घंटे लग ही जाते हैं, अच्छा अगर लेके भी जाएं तो या तो अपनी पर्सनल गाड़ी में या एम्बुलेंस के ऊपर, इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई वही तो बता रहे हैं कि जो मूल आज के डेट में आज जिस तरीके की जो महामारी चल रही है, इस महामारी में मरीजों को सबसे फर्स्ट एड के तौर पर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ का तो नामो निशान ही नहीं कहीं पर है। अब इस महामारी को देखते हुए तो कम से कम सादुल्ला नगर CSC को मेडिकल वो ऑक्सीजन बेड और एम्बुलेंस जैसी मूलभूत सुविधाएं तो देनी ही चाहिए। ठीक है जिला मुख्यालय पे ये सारी चीज़ें हैं, कोविड सेंटर बना हुआ है, लेकिन वो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा है, सारी चीज़ें हैं, वहाँ तक पेशेंट जाए कैसे? अगर यहाँ कुछ हम लोगों को सुविधा मिल जा रही है तो वहाँ का भार भी कम होगा और यहाँ हमें आसानी से वो चीज़ें मिल भी जाएंगी सुविधाएँ। तो हम लोगों की यही डिमांड है कि कम से कम सादुल्ला नगर इतना बड़ा क्षेत्र है और सारी चीज़ें हैं, इतने बड़े लोगों मतलब ज़्यादा आबादी को कवर कर रहा है, तो यहाँ कम से कम ऑक्सीजन बेड और एम्बुलेंस दी जाए।